जनवरी की आज 23 तारीख है। तो आज मैं आपको 24 तरह के ऐसे फ्लावर्स बताऊंगी जिन्हें आप सीड से जनवरी और फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये मुझे कुछ टाइम पहले ही बना देना चाहिए था, तो बट कोई बात नहीं। तो मैं जो 24 तरह के फ्लावर्स बताऊंगी, जो कुछ हैं जिन्हें आप अभी जनवरी में ग्रो कर सकते हैं और कुछ को है आप जनवरी फरवरी दोनों में लगा सकते हैं, तो वो मैं फूलों के आगे लिख दूंगी, बता दूंगी आपको बोलते हुए कि कौन से वाले जनवरी और फरवरी में ग्रो करने हैं, तो आप समझ जाएं। और चूँकि मैं जनवरी और फरवरी दोनों महीनों में ग्रो करने वाले फूलों के बारे में बता रही हूँ, तो फिर मुझे टाइटल में तो यही देना है कि जनवरी और फरवरी में ग्रो होने वाले जो सीड से फ्लावर के नाम बताऊंगी। तो उनमें से कुछ एक फ्लावर्स हैं जो कि जनवरी में ही ग्रो होने हैं, और बाकी जो है फरवरी में भी, जिन्हें जो जनवरी में नहीं कुछ लगने हैं, कुछ फरवरी में लगने हैं, तो वो भी मैं वीडियो में जिस फूल का नाम ले दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। फिर ये आगे आने वाले टाइम के लिए, अगले साल जाऊँ उससे अगले साल, जब कभी भी आप मेरा वीडियो सर्च करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जनवरी और फरवरी में या जनवरी फरवरी दोनों महीनों में कौन कौन से जो हम फ्लावर्स लगा सकते हैं। तो वैसे तो इस पर मेरे खूब सारे वीडियोज़ हैं, पर कई बार ये होता है कि कई बार नाम जो हम बीच में भूल जाते हैं बोलना, और हो सकता है अभी भी जो मैं 24 तरह के बताऊँगी उसमें भी मेरे अभी भी कुछ नाम बाय मिस्टेक छूट गए हों। जो जो मुझे याद आए हैं तो वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। तो मौसम हमारे यहाँ ऐसा ही बना हुआ है, कल भी मेरे यहाँ बारिश हुई है और इस बारी जो बारिश ने बड़ा ही काम ख़राब किया है, फूलों की लाइफ काफ़ी कम कर दिया है। इस टाइम जो फूल खूब खिल रहे होते हैं, बारिश के कारण जो है वो ख़राब होने लगते हैं। तो ये टोम देखिए आराम फरमा रहे हैं, हेलो हेलो, नींद में है इसलिए इनका बात करने का भी बिल्कुल भी मन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 तरह के जो फूल हैं उन्हें आप जनवरी या फरवरी या फिर जनवरी फरवरी दोनों महीनों में ग्रो कर सकते हैं। तो नंबर एक पे हमारा आता है एमरंथस, तो इसे जनवरी और फरवरी दोनों महीनों में ग्रो कर सकते हैं। नंबर दो पे हमारा सिलोशिया कोक्सकोम, इसे भी जनवरी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है स्पाइडर फ्लावर, इसे भी आप जनवरी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे गोमफ्रेना, इसे आप फरवरी में ग्रो करें। और पांच नंबर पे हमारा आता है बालसम, बालसम को आप जनवरी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। छह नंबर पे आता है कोचिया, सिक्स नंबर पे कोचिया को आप फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। और सेवन नंबर पे आता है हमारा मिराविलिस को आप फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। जीनिया को आप फरवरी में ग्रो करें। और नाइन नंबर पे हमारा आता है कोरियोप्सिस को आप जनवरी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। कोसमोस को, टेन नंबर पे कोसमोस को जनवरी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। इलेवन नंबर पे ग्लाडिया, इसे आप फरवरी में ग्रो करें। और ट्वेल्व नंबर पे सनफ्लावर, जिसे आप जनवरी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। और थर्टीन नंबर पे थाइमोफिला, जिसे कि हाइमेंथ्रम भी कहा जाता है, इसे आप फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। और 14 नंबर पे आता है हमारा ड्वार्फ वाला मैरीगोल्ड, इसे आप जनवरी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। और 15 नंबर पे हमारा आता है टोरेनिया, टोरेनिया को आप फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। 16 नंबर पे आता है विंका, विंका को आप जनवरी फरवरी में इसके सीड्स लगा सकते हैं और कटिंग भी लगा सकते हैं। और 17 नंबर पे आता है वाइल्ड पॉइंसेटिया, वाइल्ड पॉइंसेटिया को आप जनवरी फरवरी में सीड से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग भी इसकी लगा सकते हैं। और 18 नंबर पे क्यूबन वाटर कप, इसे जनवरी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। 19 नंबर पे आप एमेरिलस लिली के जो बल्ब होते हैं वो जनवरी में लग जाते हैं। और 20 नंबर पे हमारा आता है फुटबॉल लिली, जो पुराने जैसे हमारे होते हैं ना, तो उन्हें निकाल के फरवरी महीने में अच्छी वगैरह खाद वगैरह डाल के फिर दोबारा से लगा सकते हैं। और 21 नंबर पे हमारे क्रेसेंथिमम, जो पेरिनियल वाले हैं, उन्हें आप सीड से जनवरी और फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। सॉरी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, एक हफ्ते से
अभी आज कुछ थोड़ा सा ठीक फील कर रही थी, तो मैंने कहा चलो ये वीडियो इसलिए बना देती हूँ, नहीं तो मैं बड़े दिनों से सोच रही थी, तो बस ऐसे ही टल रहा था ये। और 22 नंबर पे पर्सलेन, पारचुलक का पर्सलेन, इसे आप कटिंग से लगा सकते हैं और फरवरी में लगा दें या जनवरी, अब जनवरी में भी इस टाइम भी आप कटिंग इसकी लगाना शुरू कर सकते हैं। और फरवरी में जो है इसके फरवरी एंड में जो है सीड लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। और पारचुलक का मोस रोज को फरवरी एंड में इसके सीड लगा सकते हैं। तो कटिंग जो इसकी है वो आप अभी भी लगा सकते हैं और एंड में जनवरी एंड में लगानी है, क्योंकि ये वीडियो मैं आगे आने वाले टाइम के लिए भी बना रही हूँ ना, आगे आने वाले सालों के लिए। तो शुरू में तो बड़ी ठंड होती है, तो इस टाइम जो मौसम चेंज होने लगता है तो कटिंग जो है इसकी जनवरी एंड में लगा सकते हैं और फरवरी में सीड। और 24 नंबर पे हमारा आता है टिथोनिया, टिथोनिया को आप टिथोनिया के सीड आप जो हैं फरवरी में लगा सकते हैं। तो एक और भी टिप्स दे दूं मैं आपको वीडियो में खूब सारे प्लांट्स तैयार करने के लिए, तो मेरे बहन भाई जो हैं इस टाइम सब तरह के प्लांट्स जो भी हैं कटिंग से तैयार करना चाहते हैं तो वो कटिंग से लगा सकते हैं, चाहे फूलों के प्लांट्स हो, चाहे तो और भी कोई उन्होंने मन में सोच रखा हो कि मुझे ये कटिंग्स तैयार करनी है, तो अभी आप आराम से कर सकते हैं। इस टाइम बहुत अच्छा मौसम है और आपके हाँ ज़्यादा ठंड होने से कुछ दिन ज़्यादा रूट्स बनने में लग सकते हैं, बट ईज़िली तैयार हो जाते हैं और ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बीच में बादल आते हैं और बीच में कुछ धूप भी आती है। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं अपने जो प्लांट्स की केयर ठीक से नहीं कर पा रही हूँ और प्लांट्स को सेट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने जितने भी तरह के फ्लावर्स बताए हैं तो अभी आप तैयारियाँ कर दीजिए, अभी टाइम है, तो अभी से जो जो बताए हैं जनवरी एंड में लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप आगे फरवरी महीने में भी उन्हें ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।